हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेमा मेहरा पे। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं बवासीर के बारे में, यानी कि पाइल्स के बारे में, किस कारण पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। बहुत ही कॉमन ये प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों में इस तरह की दिक्कत आती है उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बवासीर की दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर ये सीवियर हो जाए तो इसमें काफी दिक्कत आती है। आपको मोशन पास करने में आपको काफी ज्यादा पेन हो सकता है, प्लस अगर काफी सीवियर हो गया है तो इसका ऑपरेशन करके ही निकाला जाता है। ताकि चलिए जान लेते हैं इसके कॉमन कॉजेस के बारे में, कारणों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण है, अगर आप ज्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हैं या फिर ज्यादा तली भुनी चीजें आप ले रहे हैं तो इस कारण आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर आप जो है अपने खाने में लिक्विडी चीजें ज्यादा यूज नहीं करते, जूस हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीजें, अगर रसीली चीजें आप यूज नहीं करते हैं तो इससे आपका जो मोशन है वो काफी हार्ड होगा और पाइल्स की संभावना हो सकती है, क्योंकि जो रेक्टम होता है वहां पे काफी सॉफ्ट जो होती है कोशिकाएं होती है, जो कि अगर हार्ड मोशन वहां से पास होगा तो वो कोशिकाएं जो है फूल जाती हैं और बार बार उसमें बार बार फ्रिक्शन होने के कारण वो फूल जाती हैं और काफी जो है ब्लीडिंग भी वहां पे हो सकती है। तो दूसरा कारण होता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारी जो अतड़ियां होती हैं वो उनका काम थोड़ा कमजोर हो जाता है, उनका काम थोड़ा ढीला हो जाता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी वाले हॉर्मोन होते हैं उनका काम तेज हो जाता है और जो हमारा डाइजेशन का काम है वो स्लो हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या इस टाइम पे देखी जाती है हॉर्मोनल प्रॉब्लम के वजह से। और जो हमारी बच्चेदानी है उसका दबाव भी हमारा नीचे पड़ता है, जिससे कि पाइल्स की समस्या इस टाइम पे बढ़ जाती है। तीसरा, जो लोग ज्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल ये सारी चीजें ज्यादा लेते हैं, ज्यादा स्पाइसी चीजें हो गया, जंक फूड हो गया, ये सारी चीजें लेते हैं, तो ऐसे लोगों में भी पाइल्स की समस्या देखी गई है। ये सारे जो है पाइल्स होने के कारण है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, सही रखनी है। आपको उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। रहा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल टॉपिक हम हमेशा अपने चैनल पे लेके आते हैं। और भी कोई सवाल है तो नीचे हमें कमेंट में लिखें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। और भी सोशल मीडिया पे लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी हम एक्टिव रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।